हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंदर ग्रेट एपिसोड ऑफ 7 PM। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल अभी बज चुके शाम के 7 और अभी आज का भी हमारा टाइम हो चुका है आज का रिव्यू करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं कि आज का रिव्यूअर कौन है। तो फ्रेंड्स, आज का रिव्यूअर है ओल्ड मंक वाइट रम। जी हाँ फ्रेंड्स, ओल्ड मंक वाइट रम, इसमें एक ब्लैक रम का भी वेरियंट आता है, जिसका भी फ्रेंड्स पूरा डिटेल रिव्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल पे 7 PM पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। चैनल पे अगर जो नया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक फ्रेंड्स ये चैनल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा और ये जो चैनल है फ्रेंड्स वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक मेरा जनरल रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे ड्रिंकर जो भी मेरे कम्युनिटी के लोग हैं फ्रेंड्स, उनको एक में एक जनरल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स मैं करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू मोटिवेट अस। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड रिव्यू ओल्ड मंक वाइट रम का। तो फ्रेंड्स ये जो ब्रांड है ओल्ड मंक, जैसा कि मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को मैंने मेंशन किया है फ्रेंड्स कि 1954 में ये वाला जो ब्रांड है, जो ब्लैक रम है फ्रेंड्स, वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1954 में। और ये वाला जो वेरिएंट है वो अभी ये 10-12 साल पहले फ्रेंड्स अभी ये लॉन्च हुआ है। और इसका एक ब्लैक रम का भी वेरिएंट आता है। और ओल्ड मंक के जितने भी वेरिएंट्स है, सुप्रीम हुआ या लेजेंड हुआ, सबका फ्रेंड्स डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और फ्रेंड्स आज हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं ओल्ड मंक वाइट रम का। तो इस रम की अगर जो बात कीजिए तो फ्रेंड्स सिंपल सी बॉटल है, जैसे ब्लैक रम में आती थी वैसी सिंपल सी बॉटल है। और इसकी अगर जो प्राइस की अगर जो बात कीजिए तो फ्रेंड्स ये 820 रुपये में आप लोगों को पूरे महाराष्ट्र में इंक्लूडिंग मुंबई फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाने वाली है। ये कैसा रम है कि फ्रेंड्स ये पैन इंडिया अवेलेबल है और सारी दुनिया में भी फ्रेंड्स आपको ये वाला जो रम है फ्रेंड्स वो मिल जाने वाला है। तो स्टेट वाइज इस वाइट रम का फ्रेंड्स हम लोगों ने प्राइस निकाला है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका जो पैन इंडिया जो प्राइस है, जो मेजर जो स्टेट्स है उसमें इसका जो प्राइस है वो सबसे पहले अपने चेकआउट कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की अगर जो बात की जाए तो एज आई मैंशन अर्लियर के 820 रुपये में महाराष्ट्र में मुंबई में आप लोगों को ये पूरा खंबा मिल जाने वाला है। दीव दमन की अगर जो बात की जाए तो ये 350 में अवेलेबल है। दिल्ली की अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स तो ये 490 रुपये में आप लोगों को ये मिल जाने वाला है, पूरे का पूरा खंबा 490 रुपये में दिल्ली में। पंजाब की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स ये 550 में अवेलेबल है। केरला की अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स ये तो ये 1375 में आप लोगों को मिल जाने वाला है। बंगलुरु की अगर जो बात की जाए तो ये 1450 में 1450 में आप लोगों को मिल जाने वाला है। कोलकाता की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स ये 1000 में अवेलेबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, राउंड फिगर 1000 कोलकाता ओल्ड मंक वाइट रम पूरा खंबा आप लोगों को मिल जाने वाला है। राजस्थान की अगर जो बात की जाए तो 1075 1075 में आप लोगों को मिल जाने वाला है। एमपी की अगर जो बात की जाए तो ये 1100 में अवेलेबल है एमपी में। यूपी की अगर जो बात की जाए तो ये 980 रुपये में आप लोगों को मिल जाने वाला है। और जो गोवा की अगर जो बात की जाए तो ये गोवा में भी 350 में पूरा खंबा फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाने वाला है। तो जो सबसे जो लीस्ट जो प्राइस है फ्रेंड्स वो है 350 रुपये। दीव दमन में भी ये 350 में अवेलेबल है और गोवा में भी फ्रेंड्स ये 350 में अवेलेबल है। और मुंबई में जैसा कि मैंने कहा कि ये 820 का अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके डिटेल पे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। और इसके जो वेबसाइट पे फ्रेंड्स ये भी मेंशन किया गया है कि ये 7 ईयर ओल्ड जो लीकर होता है उसके साथ फ्रेंड्स ये ब्लेंड किया गया है। तो इसके फ्रंट जो स्टिकर है उसको अगर मैं पढ़ के आपको सुनाऊं तो ओल्ड मंक वाइट रम ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड बाय मोहन मैकन, ये फ्रेंड्स ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स ये बॉटल हुई है। प्राउड ऑफ इंडिया 750 ml 25% यूपी 42.8 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका स्ट्रेंथ है। और इसके जो पीछे के स्टिकर पे फ्रेंड्स ये मेंशन किया गया है कि 7 ईयर ओल्ड मैच्योर स्पिरिट के साथ फ्रेंड्स ये ब्लेंड किया गया है। और इसकी अगर जो कंटेंट्स की अगर जो बात की जाए तो इसमें डिमिनरल्स वाटर इथर अल्कोहल कंटेंट्स परमिटेड फ्लेवर्स। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसमें एक जो कलर तो है नहीं, तो इसमें फ्लेवर्स जो 7 ईयर ओल्ड का जो जो स्पिरिट होता है उसमें से उसको मैच्योर किया गया है। और कोई इन्फॉर्मेशन ये बॉटल है वही है गाज़ियाबाद वाला यूपी वाला। और प्राइस है फॉर सेल इन महाराष्ट्र
स्टेट ओनली। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बॉटल है जैसे ब्लैक रम में आती थी। चलिए सबसे पहले इसको अपने ओपन कर लेते हैं। बॉटल नोजिंग की अगर जो बात की है तो थोड़ा सा फ्रेंड्स ये मुझे स्पिरिटी फील हो रहा है 820 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ये जो वाइट रम है फ्रेंड्स वो उतना फेमस नहीं है। इसका जो ब्लैक रम का जो वर्ज़न है वो थोड़ा बहुत ये चल रहा है, पर बाकी ये जो वाइट रम का ये वाला जो वर्ज़न है वो इतना फेमस नहीं है अभी लोगों में। और जो सबसे ज़्यादा जो ब्रांड बिकता है ओल्ड मॉन्क का वो वही फ्रेंड्स 7 ईयर ओल्ड वाला जो डीलक्स जो रम है ट्रिपल एक्स के जो 550 में अवेलेबल है मुंबई में, वही फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सेल होता है, ये लोगों का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो इसके अगर जो डेंसिटी की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स इसका जो वॉल पे जो परफॉर्मेंस है ग्लास के वॉल पे फ्रेंड्स वो बहुत ही जल्दी नीचे उतर रहा है। तो इसमें जो मोलासिस का जो परसेंटेज है मेरे ख्याल से वो बहुत ही ये कम ही होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये नीचे उतर रहा है और ये वॉल पे फ्रेंड्स ये ज़रा भी नहीं चिपक रहा है। नोजिंग की अगर जो बात की जाए तो एक थोड़ा सा अभी ये ग्लास में निकालने के बाद इसका जो अल्कोहल का जो पंच है फ्रेंड्स वो बहुत कम अभी एक फील हो रहा है। एक थोड़ा सा एक स्वीटर साइड पे इसका टेस्ट आ रहा है फ्रेंड्स, और एक अलग टाइप का इसे जिन में कैसा आता है स्मेल, थोड़ा सा ये स्पाइसीनेस वैसा स्मेल फ्रेंड्स मेरे को ये वाइट रम में दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको अपने एक सिप करके देखते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स तो ये थोड़ा सा ये स्पिरिटी है, ऑलमोस्ट ये 40% जितना स्पिरिटी पंच आप लोगों को दे देता है। सेकंड सेगमेंट की एक बात की जाए तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक जूनिपर का भी फ्रेंड्स इसको मेरे को टेस्ट आया, और एक स्पाइसीनेस एक टाइप से मेरे को फील हुआ। और जो थर्ड सेगमेंट की अगर जो बात की जाए तो ये थोड़ा सा ये स्वीटर साइड पे आता है। तो इसका जो बेसिक जो न्यूट्रल जो स्पिरिट है फ्रेंड्स वो मोलासिस ही है, क्योंकि ये जो थर्ड सेगमेंट में आते आते आपके पैलेट पे एक स्वीटर टेस्ट फ्रेंड्स ये छोड़ के जाता है। सेकेंड सेगमेंट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कुछ अलग टेस्ट आया, थोड़ा सा ये कैरेमल साइड और थोड़ा सा ये जूनिपर साइड का फ्रेंड्स आप लोगों को फ्लेवर इस वाइट रम में मिल जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें पानी डालने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रम जो है ना फ्रेंड्स ये पानी डालने के बाद अच्छा ये परफॉर्म कर देने वाली है। और फ्रेंड्स ये जो वाइट रम है फ्रेंड्स ये मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ, इसके पहले मैंने ओल्ड मॉन्क का वाइट रम कभी भी मैंने ड्रिंक नहीं किया था। बकराड़ी का वाइट रम जो है वो मैं ओकेजनल फ्रेंड्स में ड्रिंक करते रहता हूँ, पर ओल्ड मॉन्क का जो वाइट रम है वो वैसे भी एक्चुअल में मिलना थोड़ा बहुत ही मुश्किल ही था अगर जो मुंबई की अगर जो बात की जाए तो। पानी डालने के बाद फ्रेंड्स इसका जो अरोमा है वो पूरी तरीके से सेटल डाउन हो चुका है। एक वेनिला का जो फ्लेवर एक जो स्मेल आ रहा है फ्रेंड्स वो अभी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है पानी डालने के बाद। जैसा कि मैंने कहा कि पानी डालने के बाद इसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका एक सिप लेके देखते हैं। पानी डालने के बाद फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट सेगमेंट की अगर जो बात की जाए तो एक जो अल्कोहल का जो पंच आ रहा था पहले 40% के आसपास वो ऑलमोस्ट अभी ये 15-20% के आसपास आ रहा है। अभी ये फ्रेंड्स बहुत ही एक मच मोर स्मूदर वाइट रम फ्रेंड्स आप लोगों को फील हो जाने वाला है। सेकंड सेगमेंट की अगर जो बात की जाए तो एक जो वेनिला का फ्लेवर जो पहले जो नीट में आ रहा था बहुत ही कम आ रहा था, उसका अभी टेस्ट अब ये खुल के आ रहा है। एक टाइप से थोड़ा सा एक स्पाइसीनेस स्वीट वनीला के साइड पे फ्रेंड्स इसका सेकंड सेगमेंट आपके माउथ पैलेट पे परफॉर्म करता है फ्रेंड्स। और अगर जो थर्ड सेगमेंट की जो बात करें फ्रेंड्स तो एक स्वीटर जो टेस्ट है फ्रेंड्स वो आपके पैलेट पे ये वाला जो वाइट रम है फ्रेंड्स वो छोड़ के जाने वाला है। तो ये ऑब्वियसली एक मोलासिस बेस्ड फ्रेंड्स एक वाइट रम है। तो इसमें जो थर्ड जो सेगमेंट है फ्रेंड्स वो ऑब्वियसली एक स्वीटर साइड पर ही आपके पैलेट पे
टेस्ट फ्रेंड्स वो छोड़ के जाने वाला है। ओवरऑल अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स इसके अगर जो रैंकिंग की अगर जो बात की जाए तो इसको फ्रेंड्स मैं पॉइंट देना चाहूँगा 6 out of 10। जी हाँ फ्रेंड्स 6 out of 10 इसलिए क्योंकि इसका जो प्राइस है मुंबई में 820 रुपया फ्रेंड्स वो मुझे क्वाइट एक्सपेंसिव लगा। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको वन टाइम अगर जो टेस्ट करना ही है तो फ्रेंड्स आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो अदर स्टेट्स में जो प्राइस है वो भी मुझे ज़्यादा ही लगा क्योंकि कहीं कहीं पे ये 1000 है या 1000 के ऊपर भी फ्रेंड्स ये चला जाता है। एक टाइम फ्रेंड्स ये टेस्ट करने के लिए बढ़िया है क्योंकि एक जो वाइट रम में एक टाइप से जो वेनिला का और जो स्पाइसेस का और जो हर्ब्स का जो एक टाइप से अरोमा और टेस्ट आप लोगों को जो मिलता है फ्रेंड्स वो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस हो जाने वाला है। पर 820 रुपये के लिए फ्रेंड्स ये वर्थ नहीं करता। अगर आप जो नॉर्थ में रहते हो तो वहाँ पे ये 350 की रेंज में अवेलेबल है और दीव दमन गोवा में भी ये 350 की रेंज में अवेलेबल है। तो अगर आप उन सब जो रीजन में रहते हो फ्रेंड्स तो ये बेस्ट बाय है उसके लिए। और 350 क्या मैं तो बोलता हूँ इसको आप 500, 600 रुपये तक भी आप इस पर स्पेंड कर सकते हो, ये वर्थ रहेगा आपके मनी के लिए। पर 600 से अगर इसका जो प्राइस जो बढ़ जाता है फ्रेंड्स तो इसको एक मैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं मानता। ओल्ड मॉन्क के फ्रेंड्स कई सारे प्रोडक्ट है जिसका एक साथ रिव्यू भी फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। और पर इस पर्टिकुलर वाइट रम की अगर जो बात की जाए तो अगर आपको टेस्ट करना है तो ही फ्रेंड्स आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसकी जगह पे बकाड़ी का जो वाइट रम आता है फ्रेंड्स वो 1200 रुपये का आता है। 400 रुपये डाल के एक जो स्मूथनेस फ्रेंड्स आप लोगों को जो मिलने वाली है वो बहुत ही शानदार आप लोगों को मिल जाने वाली है। तो ये था फ्रेंड्स आज का रिव्यू ओल्ड मंक वाइट रम का। आपको ये रिव्यू फ्रेंड्स कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक फ्रेंड्स ये जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो पाएगा और ये चैनल आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो फ्रेंड्स ये चैनल को ग्रो करने में फ्रेंड्स आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो अपना छोटा भाई समझ के या अपना बड़ा भाई समझ के फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू मोटिवेट अस। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में 7 PM विस्की के ऐसे ही कोई शानदार इंडियन लिकर लेके। Till then friends, cheers.